हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशा टॉक्स। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के बारे में। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की जो फाइनल एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी डिटेल्स बताने वाला हूँ। जो कि रिसेंट मेल आया आपका टीसीएस की तरफ से, तो उस मेल में आपको क्या बताया गया है, फाइनल एग्जाम का शेड्यूल क्या होने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए फाइनल एग्जाम से पहले। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये पार्ट थ्री होने वाला है। पार्ट टू एंड पार्ट वन में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आईआरसी से रिलेटेड, डीआरसी से रिलेटेड एंड आपके जो जो भी डाउट्स थे सभी डाउट्स से रिलेटेड। तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। जैसे कि आपको देखने में जाता है एग्जाम शेड्यूल एंड लॉग इन डिटेल्स फॉर एक्चुअल एग्जाम, इसके बारे में बात करने वाले एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन किस तरह से आप कर सकते हो, गाइस पूरी डिटेल्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। गाइस उससे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि मैंने वीडियो बनाया था आप सभी के लिए, यहां पर आपको देखने मिल जाता है सबसे पहले वीडियो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस चेक। जो आईआरसी का मेल आ रहा था सभी कैंडिडेट्स को, उससे रिलेटेड मैंने आईआरसी कैसे कंप्लीट करना है वो बताया था। सेकंड जो वीडियो था गाइस टीसीएस स्मार्ट हायरिंग ड्राई रन चेक, तो डीआरसी किस तरह से कंप्लीट करना है और भी बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने वीडियो में शेयर की थी। तो दोनों की लिंक मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो वो जाकर आप देख सकते हो। ओके, इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन क्या होने वाली है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ इस तरह का मेल लिखने मिल जाता है। मेल लिखने से पहले मैं आपको बात बता देता हूँ, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग जो है गाइस आपको आपने यहाँ पर अप्लाई किया था, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में अप्लाई किया था 2020, 2021 एंड 2022 बैच जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये जो स्मार्ट हायरिंग है अलग स्मार्ट हायरिंग है, अभी जो स्मार्ट हायरिंग हो रही है वो दूसरा फेज है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेज है गाइस। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपको ये जो बहुत सारे लोगों को डाउट था साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है टीसीएस इग्नाइट का एक्सप्लोर प्रोग्राम, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कल की एग्जाम देते हो एंड कल के एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो गाइस, तो आपको वहां पर भी बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, बहुत लोगों को ये भी डाउट था कि वो आईटी फील्ड में आपने सिलेक्ट किया था लेकिन आपको बीपीएस का मेल आ रहा है टीसीएस की तरफ से, तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। वहां पर बीपीएस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वहां पर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग जो है गाइस वहां पर कोडिंग क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं होते, इसलिए वहां पे बीपीएस शो हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले एग्जाम के कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, अ डिटेल ईमेल फॉर यू टू रीड थ्रू एंड कंप्रेहेंसिवली अंडरस्टैंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन द टीसीएस ऑफ कैंपस ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड असेसमेंट। ओके, सो गाइज अगर आपने आईआरसी या तो डीआरसी का एग्जाम दिया हो तो यहाँ पर आपको सभी पॉइंट्स मेंशन किए गए कि किस तरह से आपको फाइनल एग्जाम देना है। अगर आपने आईआरसी और डीआरसी दिया है तो आपको एक्सपीरियंस आ गया होगा कि किस तरह से आपको इस एग्जाम लिंक पे क्लिक करना है और किस तरह से यूजर नेम पासवर्ड डालना है, किस तरह से इवेंट लॉन्च होने वाला है आपका, सभी डिटेल्स आपको वहां पे समझ आ गई होंगी। इसलिए आईआरसी और डीआरसी इंपॉर्टेंट होता है ताकि फाइनल एग्जाम के टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ आपका सिस्टम भी चेक हो गया, सिस्टम आपका सुटेबल है एग्जाम देने के लिए अगर आप आईआरसी एंड डीआरसी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो तो। यहाँ पे आपको एग्जाम डेट 13 अक्टूबर देखने मिल जाता है, तो ये सभी का 13 अक्टूबर एग्जाम डेट है गाइस। जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है सभी का एग्जाम 30 को ही होने वाला है, यानी कि कल। साथ साथ यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया गया है जो कि आपका कॉन्स्टेंट रहने ही वाला है, सीटीडीटी नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया है, पासवर्ड आपका फोन नंबर। रजिस्ट्रेशन टाइम 9:15 AM एंड एग्जाम स्टार्ट टाइमिंग 10 AM। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, आपका एग्जाम का जो टाइम है वो 10 AM दिया गया है। ओके, एंड रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो 9:15 दिया गया है, तो अगर आप 10 AM के एक मिनट बाद भी अगर आप जाते हो तो आप एग्जाम ओपन नहीं कर पाओगे। ओके, एग्जाम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरा सजेशन यही है कि बी ऑन टाइम। रजिस्ट्रेशन 9:15 को स्टार्ट हो जाता है, आपको 9:15 को रेडी रहना है एंड अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल कर लेना है। इंपॉर्टेंट नोट, एग्जाम रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट 45 मिनट्स प्रायर टू द एग्जाम स्टार्ट टाइम, यू मे नॉट बी अलाउड टू स्टार्ट द एग्जाम आफ्टर द एग्जाम स्टार्ट इज एड मेंशन। ओके, सो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 9:15 के बाद कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि 9:15 को आप बैठ जाओ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लो एंड 10 AM का आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इससे लेट होते हो, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होने वाला है, इसलिए बी ऑन टाइम। मेक श्योर टू कंप्लीट सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद इन द रजिस्ट्रेशन विंडो, टाइम फेलिंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू एग्जाम स्टार्ट द एग्जाम, पंक्चुअलिटी फॉर ऑन टाइम स्टार्ट इज क्रिटिकल। ओके, सो पंक्चुअलिटी जरूर आपको मेंटेन करनी चाहिए, और अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू होते हैं एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के टाइम पे, तो आप लाइव चैट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीसीएस टीम को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये पेज है, यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब जो सेकंड चीज थी गाइस वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 1.9 से 2.2 एलपी तक का पैकेज देखने मिल जाता है अगर आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के एग्जाम क्लियर करते हो। उसके बाद अगर आप एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, स्टूडेंट हु परफॉर्म एक्सेप्शनली ड्यूरिंग अवर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग सिलेक्शन प्रोसेस विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन टीसीएस इग्नाइट टीसीएस यूनिक साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।
जो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको टीसीएस इग्नाइट में आपको आपका प्रमोशन हो जाएगा गाइस, जहां पर आपको ज्यादा सैलरी पैकेज मिलने वाला है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कल के एग्जाम की हम बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो मैंने मेंशन किया था, लास्ट मिनट प्रिपरेशन उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ टेस्ट पैटर्न दिखने मिल जाता है टीसीएस का, वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होने वाला है जिसमें 24 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें 30 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन होने वाले जिसके लिए 50 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 26 क्वेश्चन होने वाले जिसके लिए आपको 40 मिनट्स टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 80 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसके लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे गाइस। सो ये टेस्ट पैटर्न है टीसीएस की तरफ से। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपको प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, टीसीएस मैट हायरिंग की मैं ऑलरेडी आपके लिए डिटेल प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पे आपको टीसीएस मैट हायरिंग से रिलेटेड सभी जो वीडियोज है वो आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था टीसीएस स्मार्ट हायरिंग सिलेबस एंड टीसीएस स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन। सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर ही चुके। यहाँ पर साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे वर्बल एबिलिटी का सेक्शन देखते हो तो वर्बल एबिलिटी में आपको डिफरेंट देखने मिल जाते हैं, कौन से फील्ड से क्वेश्चन आने वाले, स्पॉटिंग एरर, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, सिलेक्टिंग वर्ड्स, सिनोनियम्स, वर्बल एनालिसिस, चेंज ऑफ वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिखने मिल जाते हैं गाइस। तो वर्बल एबिलिटी में आपकी इंग्लिश चेक होने वाली है गाइस, तो आपको एक सेंटेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से आपको इरर स्पॉट करने होंगे, सिनोनियम्स आपको फाइंड आउट करने होंगे, एंटोनियम्स फाइंड आउट करने होंगे, स्पेलिंग करेक्ट करनी होगी, वर्ड्स के ऑर्डर बराबर करने होंगे, चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये करना होगा, स्टेटमेंट कंप्लीट करना होगा, सेंटेंस को करेक्ट करना होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन करना होगा, पैराग्राफ फॉर्मेशन करना होगा, वर्ड सिलेक्ट करने होंगे, इडम्स एंड फ्रेजेस वाला भी आपको इस तरह से मल्टीपल टॉपिक्स देखने मिल जाते हैं वर्बल एबिलिटी के। तो ये एबिलिटी, ये पर्टिकुलर सेक्शन से ही आपको वर्बल एबिलिटी में क्वेश्चन आने वाले, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। अब बात कर लेते हैं गाइस रीजनिंग एबिलिटी की। सो रीजनिंग एबिलिटी दिखा देता हूँ। रीजनिंग एबिलिटी के आपको टॉपिक्स देखने मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, डायरेक्शन सेंस, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, पजल से रिलेटेड, स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस, सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले, वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले, डिसीजन मेकिंग, वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन में। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, इस पे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस, एंड जैसे कि मैं आपको बता दूं ओवरऑल जो है आपका सभी में स्कोर, जैसे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीनों में ही आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वर्बल एबिलिटी में स्ट्रांग हो, रीजनिंग एबिलिटी में वीक हो, ओवरऑल कट ऑफ जो है वो मैच करता है, इसलिए आपको ओवरऑल अच्छे से स्कोर करना है गाइस। फिर आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर ली जाए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको टॉपिक्स दिखने मिल जाते हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज, आपको एवरेज फाइंड करना होगा, नंबर एंड डेसिमल, फ्रैक्शन से रिलेटेड, एलिगेशन एंड मिक्सर से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इक्वेशन, डिविजिबिलिटी, रीजनिंग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, एरिया, शेप्स एंड पेरीमीटर। सो जो डिफरेंट शेप्स हैं उनके एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला आप याद रखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, एजेस रिलेटेड, वर्क एंड टाइम रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। इफ राम कैन डू अ वर्क इन 8 डेज एंड श्याम कैन डू वर्क इन 12 डेज, इस तरह का जो वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं वो आ जाएगा, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा, इफ अ ट्रेन कैन कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 8 आवर्स, हाउ मच विल इट टेक फॉर अ ट्रेन ट्रेवलिंग विद पर्टिकुलर स्पीड। इस तरह से आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्योमेट्री, अरेंजमेंट एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मुलेज आपको यहाँ पे रिमाइंड करके रख लेने चाहिए। नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड, परसेंटेज रिलेटेड एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं गाइस। इस तरह से आपका टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का एग्जाम होने वाला है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो गाइस जो एग्जाम शेड्यूल एंड लॉगिन डिटेल से रिलेटेड जो भी डाउट्स था गाइस वो भी क्लियर कर चुका हूँ, टीसीएस आईटी एंड बीपीएस वाला भी डाउट्स मैं आपका क्लियर कर चुका हूँ गाइस, एंड पैकेज भी आपको बता चुका हूँ, एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपका क्या होने वाली है, कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या क्या आपको रिमाइंड कर लेना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।